Let's improve English. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया हूं। आपको सेंटेंसेस के थ्रू वोकैबुलरी फ्रेजेस वगैरह कराऊंगा, आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला सेंटेंस देखिए, कुछ दिनों से तुम अपने काम की परवाह नहीं कर रहे हो, काम के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। यू हैव बीन नेग्लेक्टिंग योर वर्क, यू हैव बीन नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटी। तुम अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट कर रहे हो, वर्क को नेग्लेक्ट कर रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, हैव बीन डूइंग समथिंग यानी पहले से कुछ हो रहा है, अभी भी हो रहा है। यानी नेग्लेक्ट करना मतलब किसी चीज को अटेंशन ना देना, टू नॉट गिव अटेंशन टू समथिंग एंड टू नॉट केयर अबाउट समथिंग, दैट मीन्स नेग्लेक्टिंग इट। सो यू कैन नेग्लेक्ट अ पर्सन, यू कैन नेग्लेक्ट सम वर्क। अगर आप किसी चीज को नेग्लेक्ट करते हैं मतलब उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। सो यू शुड नॉट नेग्लेक्ट योर वर्क। इस वक्त मेरे दिमाग में बस वही है, इस वक्त मेरे दिमाग में बस वही एक चीज है। इट इज दी ओनली थिंग ऑन माई माइंड राइट नाउ, इट इज दी ओनली थिंग ऑन माई माइंड राइट नाउ। इट इज ऑन माई माइंड यानी वो मेरे दिमाग में चल रही है। ऑन माई माइंड, इफ समथिंग इज ऑन योर माइंड दैट मीन्स यू आर थिंकिंग अबाउट इट, you're wondering about it, that means that thing is on your mind. So it is the only thing, yahi wo ek cheez hai, on my mind right now, yani is waqt mere dimag mein wahi cheez chal rahi hai. ye mat samajhna ki wo tum par koi ehsaan karega, ye to uska farz hai, usko karna chahiye. matlab mera sentence hai, ye mat samajhna ki wo tum par koi ehsaan karega. don't assume that he will do you some favor. Don't assume, यानी ये assume मत कर लेना, that he will do you some favor. To do somebody a favor means to do something for someone, helping someone or supporting someone, giving some help to somebody, that means doing somebody a favor. So don't assume that he will do you some favor. ये मत assume करना कि वो तुम पर कोई एहसान करेगा, some favor, कोई एहसान करेगा। It's his duty, ये उसकी duty है। वो तो अपनी duty को neglect कर रहा था। He had been neglecting his duty until now, लेकिन अब वो तुम्हारी मदद करेगा। Now he will help you. फ्रेंड्स, आपको जितने हो सके उतने सेंटेंसेस बनाने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है बोलने की। इसी तरीके से फिर आप इंग्लिश सीखेंगे। इंग्लिश बोलना सीखने का यही तरीका है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलनी है। ठीक वैसे ही जैसे आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको पानी में कूद कर और सीखना पड़ेगा, वैसे ही जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। और मैं आपको फ्रेजेस और वोकैबुलरी कराते रहता हूं जिससे कि आप अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। सो आई रियली बिलीव दैट यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश स्पीकिंग आफ्टर यू complete this lesson, after you watch this video completely, because it's the most important thing to do. After you learn some phrase or vocabulary, it is your duty to use it in your conversation, because if you don't, you lose it. Okay, so don't neglect this duty of yours. Mujhe to jhat se ekdam bahut gehri neend aa gayi. I fell into a deep sleep right away का मतलब फॉरन, झट से, जैसे कि go there right away, अभी के अभी वहां जाओ। तो वहां पर तो हम right now भी बोल सकते हैं, go there right now, लेकिन right away किसी भी टाइम के लिए यूज किया जा सकता है। सो मुझे झट से नींद आ गई गहरी। I fell into a deep sleep right away. I fell into it, to fall asleep means सो जाना। यहां पर मैं कह रहा हूं I fell into a deep sleep, मैं एक डीप स्लीप में फेल हो गया, यानी कि बहुत गहरी नींद आ गई मुझे, और वो भी राइट अवे एकदम से। मैं इंस्टेंटली भी बोल सकता हूँ आई इंस्टेंटली फेल स्लीप, अचानक से, ये नहीं अचानक से नहीं, झट से मुझे नींद आ गई। एज सून एज आई हिट द बेड आई फेल स्लीप। इस तरीके के सेंटेंसेस मैंने पहले भी एक वीडियो में बताए हुए हैं। अगर आपको स्लीप से संबंधित काफी सारे सेंटेंसेस देखने हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने यही बातें की है स्लीप से रिलेटेड। अब तो मुझे और भी नींद आ रही है, जैसे किसी ने बोला कि ऐसा कर ले नींद नहीं आएगी, कुछ फायदा नहीं, अब तो मुझे और भी नींद आ रही है। I am feeling even drowsier now. If you feel drowsy, it means you want to sleep. You're feeling sleepy. You're feeling drowsy. So drowsy का मतलब होता है नींद आ रही है। नींद का भी एक नशा होता है। सो ड्राउजी फील करने का मतलब होता है नींद, नींद भरी होना अंदर से। अगर आप बोलना चाहते हैं ना मेरे अंदर नींद भरी हुई है, तो आप कह सकते हैं आई एम ड्राउजी, आई एम फीलिंग ड्राउजी, और अब तो मुझे और भी ज्यादा नींद महसूस हो रही है, आई एम फीलिंग ड्राउजियर। ड्राउजी की हमने कंपेरेटिव डिग्री बना दी, उसको कंपेयर करना, जैसे बिग बिगर होता है ना वैसे ही ड्राउजी, ड्राउजियर, ड्राउजियस्ट। सो नाउ आई एम फीलिंग इवन ड्राउजियर, अब तो मुझे और भी ज्यादा ड्राउजी फील हो रहा है, और ज्यादा मुझे नींद आ रही है।
चलो अब झट से काम पे लग जाओ। इसे इंग्लिश में कहेंगे नाउ क्विकली गेट टू वर्क, नाउ क्विकली गेट टू वर्क। आप कह सकते हैं नाउ स्टार्ट वर्किंग, नाउ बिगिन योर वर्क और क्विकली गेट टू वर्क। देखिए एक ही बात को कहने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, मैं कुछ सेंटेंस का ट्रांसलेशन बताता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे इंग्लिश में कह सकते हैं, तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछते हैं क्या इसको ऐसे नहीं कह सकते, ये वर्ड हम यूज नहीं कर सकते हैं क्या। ऑफकोर्स आप वो वर्ड यूज कर सकते हैं अगर आपने वो सीखा हुआ है कहीं पर। और एक ही बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं उनमें से एक तरीका आपको बताता हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है, तो मैं आपको जो तरीका बताता हूँ उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उसी बात को एक्सप्रेस करने के। और ये भी हो सकता है कि वो सही हो अगर आपने किसी और टीचर से या फिर कहीं से भी आपने सीखे हैं तो वो सही है। आपको ये कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कौन सा नया तरीका आ गया, ये नहीं कर सकता क्या मैं। अरे आप कर सकते हैं, मेरा मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी बातों में अगर वैरायटी होगी, अलग अलग आपकी वोकैबुलरी ज्यादा अच्छी लगेगी, यानी कि आपके पास जब ज्यादा वैरायटी ऑफ वर्ड्स होगी, जब ज्यादा वैरायटी ऑफ वर्ड्स होगी, आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे, तो आप अलग अलग टाइम पर अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं तो अलग अलग वर्ड्स का यूज करने से आपके एग्जाम्स में आप अच्छा स्कोर करेंगे, और जब आप बोल रहे हैं तो ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा इफेक्टिव लगेंगे आप बोलते वक्त, तो आप अलग अलग वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन किसी और तरीके से आ रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा देयर आर मेनी वेज टू से द सेम थिंग। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, नॉट एवरीथिंग विल गो योर वे, नॉट एवरीथिंग विल गो योर वे। अब देखिए यहां पर कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं, नॉट एवरीथिंग विल हैपन अकॉर्डिंग टू योर प्लान, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में और कॉमनली जो ज्यादा ही सिंपल और इनफॉर्मल है ना, हम ऐसे ही बोल सकते हैं नॉट एवरीथिंग विल गो योर वे। इफ समथिंग गोज योर वे दैट मीन्स इट इज गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान, इट इज गोइंग एज यू हैड प्लान्ड। मतलब कि कोई चीज आपके हिसाब से चल रही है, अकॉर्डिंग टू योर प्लान चल रही है, इसका मतलब इट इज गोइंग योर वे। या फिर हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं चलो हम साथ में चलते हैं, लेट्स गो टुगेदर, आई एम गोइंग योर वे, मैं तुम्हारी, अब इसका मतलब है मैं भी वहीं जा रहा हूं जहां तुम जा रहे हो, आई एम गोइंग योर वे। तो उसका यह भी मतलब हो सकता है डायरेक्ट, इसका यह भी मतलब हो सकता है कि आई एम गोइंग योर वे, यानी कि मैं तुम्हारे रास्ते जा रहा हूं, जहां तुम्हें जाना है मुझे जाना है। अब आप इसे लंबा करने की आपको क्या जरूरत है, आई एम गोइंग टू द प्लेस वे यू आर गोइंग, मैं उसी जगह पर जा रहा हूं जहां तुम जा रहे हो। मैं ऐसे भी कह सकता हूं आई एम गोइंग योर वे, नो मैटर हाउ बिजी आई गेट आई कॉल हिम अप। या फिर आप इसको अदर वे अराउंड भी बोल सकते हैं, मतलब कि आई कॉल हिम अप नो मैटर हाउ बिजी आई गेट। सो इस नो मैटर वाले क्लॉज को आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी कहीं पर भी लगा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। सो नो मैटर हाउ बिजी आई गेट आई कॉल हिम अप, मैं उसे कॉल जरूर करता हूं। मुझे बहुत दुख है, मैंने गुस्से में वो सब कह दिया, मैंने गुस्से में वो कह दिया। इसे हम कह सकते हैं आई एम सॉरी, आई सेड इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट। ये है मेरा फ्रेज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू डू समथिंग इन द हीट ऑफ द मोमेंट दैट मीन्स यू डू इट वेन यू आर एंग्री और वेरी अपसेट, मीन्स यू आर इन अ हेस्ट, यू आर इन अ हरी, जल्दबाजी में आप कुछ करते हैं, गुस्से में या बहुत ज्यादा किसी इमोशन में आप कुछ करते हैं, मतलब यू डू इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट। सो आई सेड इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट, यानी कि जल्दबाजी में मैंने वो सब कह दिया, लेकिन यहां पर मैं कहना चाहता हूं गुस्से में मैंने वो सब कह दिया। सिर्फ कहना ही नहीं, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट, यानी कि जल्दबाजी में। इन द हीट ऑफ द मोमेंट आई फॉरगॉट टू टेक माय कार कीज, यानी जल्दबाजी में अपने कार की कीज लेना ही भूल गया। सो इन द हीट ऑफ द मोमेंट, यानी जब मामला बिगड़ा हुआ है ना, जब या तो बहुत ज्यादा गुस्से में है आप, या बहुत ज्यादा नाराज है, या फिर कोई भी इमोशन आप पर भारी पड़ रहा है, यानी कि इट इज द हीट ऑफ द मोमेंट। यही आदत तुम्हें पीछे रख रही है, यही आदत तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। दिस हैबिट इज होल्डिंग यू बैक, इफ समथिंग होल्ड्स यू बैक इट डजंट लेट यू गो फर्दर, इट डजंट लेट यू गो अहेड। सो दिस हैबिट इज होल्डिंग यू बैक, ये आदत तुम्हें होल्ड बैक कर रही है। सो लीव दिस हैबिट, किक दिस हैबिट, ब्रेक दिस हैबिट। कई तरीके के फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं एक ही बात को कहने के, आदत छोड़ दो, किक द हैबिट, ब्रेक द हैबिट, लीव द हैबिट, किन्हीं भी आप वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, मतलब एक जैसा ही बन रहा है। आपके एक्सप्रेशंस, आपकी जो फीलिंग्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस आप कर सकते हैं अलग अलग वर्ड्स का यूज करके। फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी तरीके से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।